दोस्तों तुवेर दाल नी वड़ी केवी रीते बनावी तेना माटेनी रेसिपी नो वीडियो छे ए आपणे आना अगाउना वीडियो में शेर करेलो छे। तो आजे आपणे ए वड़ी नू डुंगळी टमेटा साथेनू शाक बनावीशुं। तो तेना माटे अहींया मैं कूकर मूक्यू छे अने तेनी अंदर बे ग्लास जेटलू पाणी उमेर्यू छे। हवे तेमां एक कप जेटली वड़ी उमेरीने तेने आपणे चार सीटी सुधी बराबर बाफी लेवानी छे। वड़ी बराबर बफाय त्यां सुधी आपणे बीजा गैस उपर तेनी ग्रेवी तैयार करी लईए। तो तेना माटे एक कढ़ाई मूकीने तेनी अंदर 5 चमची जेटलू तेल उमेरो। तेल बराबर गरम थई जाय एटले तेनी अंदर अर्धी चमची राई उमेरीशुं। त्यारबाद अर्धी चमची जीरुं, एक चौथाई चमची हींग, मीठो लीमड़ो अने त्यारबाद बे नंग बारीक समारेली डुंगळी उमेरी लईशुं। बधी ज वस्तુને बराबर मिक्स करीने 2-3 मिनिट सुधी चढ़वा दईशुं। तो दोस्तों तमे जोई शको छो एक साइड आपणी वड़ी बफाई रही छे अने बीजी साइड आपणी ग्रेवी पण तैयार थई रही छे। 2 मिनिट बाद तेनी अंदर 1 चमची लीला लसणनी चटणी अने आदु अने लसणनी 1 चमची पेस्ट उमेरी લઈશું। त्यारबाद 2 नंग बारीक समारेला टामेटा उमेरी લઈશું। अर्धी चमची मीठू उमेरशुं। आ बधी ज वस्तु बराबर चढ़ी जाए त्यारबाद तेमा 1/4 चमची हळदर, 1 चमची लाल मरचू, 1 चमची धाणा जीरु उमेरीने तेने बराबर मिक्स करी लईशुं अने 1 मिनिट सुधी चढ़वा दईशुं। तो आपणी ग्रेवी छे ए तैयार थई गई छे अने बीजी बाजु 4 सीटी पण वागी गई छे। तो वड़ी बफाई गई छे के केम ते जोई लईए। तो वड़ी पण बराबर बफाई गई छे तेने ग्रेवीनी अंदर मिक्स करी लईशुं। बधी ज वस्तुने बराबर भेळवीने तेने 2-3 मिनिट सुधी चढ़वा दईशुं। तो दोस्तों आपणुं ग्रेवीवाळुं वड़ीनुं स्वादिष्ट शाक तैयार थई गयुं छे। हवे तेने कोथंबरीथी सजावी लईशुं। आ शाक तमे रोटली, रोटलो के भाखरी कोई पण साथे खाईशो तो स्वादिष्ट ज लागशे। तो तमे पण अमारी आ रेसिपीने ट्राई करो अने घरना बधा सभ્યોને खुश करो। तमारा साथ सहकार बदल तमारो खूब खूब धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद।